एक्स के जो रूट्स हो गए वो एक्स के जे वाले एक्स इजिकल टू जे हो गया, तो एक्स के ये दो वैल्यूज एक्स के रूट हो गए, ये एक प्लस वाली वैल्यू हो गई, एक माइनस वाली हो गई। ये माइनस भी आगे सेम है, 2a भी सेम है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम जो रूट्स होते हैं इसके इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस रकम होगी तो इसका आंसर नहीं आएगा, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो, क्योंकि माइनस वाली रकम का अंडर रूट नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे माइनस टू को माइनस टू से करेंगे तो 4+ आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो भी 4+ आएगा, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो माइनस में आता है तो हम इसका आगे सम नहीं निकालते। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो उसको कहते हैं ये पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसके जो रूट्स निकाले हैं, तो उसमें ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कॉमन टर्म है, तो ए बी सी की वैल्यू जो है वो बी स्क्वेयर माइनस 4ac को डिसाइड करेगी। तो इसको हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो मान लो हमें ये इक्वेशन दी गई है 2x² - 4x + 3 = 0, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसमें से एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर के साथ कितना लगा हुआ है 2, और बी खाली एक्स के साथ क्या लगा हुआ है -4, और सी की जगह पे कितना है 3। तो ये ए बी और सी की वैल्यू हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac में भरेंगे, तो अंडर रूट मैंने वैसे लिख दिया है। तो बी का -4 का स्क्वेयर हो गया -4 फार्मूले का 4ac का, और ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया -4 का स्क्वेयर आ गया 16, और 4 × 8 3 = 24, -24। तो 24 बड़ा है तो इसका आंसर आ गया -8। -8 बेटा 0 से इस साइड की रकम है, यानी 0 से कम है ये, यानी दिस इज़ लेस देन 0। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मीन्स -8 जो लेस देन 0 है, तो देयर फोर द रूट्स आर नॉट रियल। तो ये जो इक्वेशन है 2x² - 4x + 3, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो रूट्स रियल कब होंगे, जब ओनली बी स्क्वेयर माइनस 4ac या तो ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ग्रेटर का निशान है, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा है 0 छोटा है। अगर ये पॉजिटिव में आए प्लस में आए तो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर प्लस में आए तो रूट्स रियल होते हैं, या ये इज इक्वल टू 0 में आ जाए, ठीक है। अगर ठीक है, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो फार्मूले में जो पहले यहाँ पर देखो b - b/2a, यही फार्मूला बन जाएगा, यही हमारा एक्स की वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तभी जो रूट्स इसके रियल होते हैं, अगर नहीं तो रूट सर नहीं निकलते, क्योंकि कभी कभी फैक्टराइजेशन से भी इसके रूट नहीं निकलते। तो हम इस फार्मूले से बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूले से हम इसके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट ये वाला डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, ये इतना 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू खाली -b/2a रह जाएगी। तो एक्स के दोनों रूट्स इक्वल हों।